वेब सर्विसज कॉम्पोनेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेब सर्विस कॉम्पोनेट्स को जैसे सोप डब्ल्यू एस डी एल और यूडीडीआई अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉम्पोनेट हैं क्या देर आर थ्री मेजर वेब सर्विसेज कॉम्पोनेंट्स सोप डब्ल्यू एस डी एल एंड यूडीडीआई सोप सोप इज एन एक्रोनेम फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल सोप इज एक्समल बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग वेब सर्विसेसोप इज डब्ल्यू थ्री सी रिकमेंडेशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन तो सोप जो है ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है एक्समल बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन यानी आप एक क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो दूसरी किसी एप्लीकेशन के साथ अगर कम्युनिकेशन चाह रही है तो जो इंफॉर्मेशन है वो सोप बेस्ड मैसेज uh, में uh, की जाती है और वो दूसरी एप्लीकेशन को थ्रू सोप भेज दी जाती है और वहां पर वो दोबारा से मैसेज जो है वो डिकोड होता है और उस इंफॉर्मेशन उस को पढ़ लिया जाता है सोप इज डब्ल्यू थ्री सी रिकमेंडेशन तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का काशन जो है उसकी रिकमेंडेशन है इसलिए ये तमाम लैंग्वेजेस इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं और वाइडली एक्सेप्टेड है तमाम लैंग्वेजेस में तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन के लिए रिकमेंडेशन है डब्ल्यू थ्री सी की इसी तरह से सोप इज इज सो इट इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इन अदर वर्ड्स कैन बी यूज विद जावा डॉट नेट और पी एच पी लैंगेज और एनी अदर प्लेटफॉर्म तो ये एक बड़ी खूबसूरती है इसमें कि ये डब्ल्यू थ्री सी स्टैंडर्ड है रिकमेंडेशन है तो तमाम लैंग्वेजेस इसे अडॉप्ट कर गई हैं और जिसकी वजह से इसकी वाइडली एक्सेप्टेंस है तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज में हैं और हम वेब सर्विसेज लिखना चाहते हैं तो हमें वो लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में प्रोविजन मिल सकती है इसी तरह से डब्ल्यू एस टी एल इज एन Service फॉर वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डब्ल्यू एस टी एल इज web services डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब parameter, नेम मैथड पैरामीटर एंड हाउ हाउ टू एक्सेस इट तो बेसिकली इट्स अ डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और ये भी एग्जाम्पल बेस्ड होती है इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव आप क्या लिखते हैं कि वेब सर्विसेज का मेथड नाम मेथड का नाम मेथड के पैरामीटर्स और किस तरह से आप उस वेब सर्विस या उस मेथड को एक्सेस करेंगे डब्ल्यू एच एल स्पार्ट ऑफ UDDI तो इट एक्स एज एन इंटरफेस बिटवीन वेब सर्विसेज एप्लीकेशन तो ये बेसिकली एक इंटरफेस के तौर पे एक्ट कर रही होती है डिफरेंट वेब सर्विसेज एप्लीकेशन के दरमियान में डब्ल्यू एस डी एल इज प्रोनाउंस एज विजिटल तो हम इसे विजिटल सिंपली बोल सकते हैं और इसी तरह से यूडीडीआई इज एन एक्रोनेम फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन यूडीडीआई इज एग्जाम बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग डिस्कवरिंग एंड इंटीग्रेटिंग वेब सर्विसेज बेसिकली जितनी पब्लिशिंग है ओवर द नेट वेब सर्विसेज की ताकि आपकी सर्विस को लोग सर्च कर सकें वो सारी UDDI के जरिए पॉसिबल होती है इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिस्कवरिंग वेब सर्विसेज ओवर द नेट यू डी डी आई इज अ डायरेक्टरी ऑफ वेब सर्विसेज इंटरफ़ेस डिस्क्राइब बाय डिजिटल कॉन्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब सर्विसेज और इसमें बेसिकली तमाम की तमाम वेब सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है